नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मेरे चैनल पर वेलकम है फ्रेंड्स आप लोगों का। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर, मम्मी के घर आई थी तो आज जा रही हूँ अपने घर। तो देखिए मैंने, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन के साइड वाली सीट है जो आमने सामने दोनों में ही खिड़की होती है, तो सामने मैं बैठी हूँ और एक सीट पर पिंटू बैठा है। तो बैठने की सीट ही मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी सीट, तो दूसरी तरफ मैं बैठी थी। तो खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है क्योंकि हवा आती है, गर्मी का टाइम है तो खिड़की के पास ही की सीट सबको पसंद है। और ये दूसरे दिन का था व्लॉग क्योंकि मैं आई थी रात में, तो रात में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो दूसरे दिन मैं बैठी थी, सुबह में नाश्ता बनाने बैठी थी सुबह सुबह, तो नाश्ते में बनाने जा रही थी मैं, पोया बनाने जा रही थी। तो उसके पहले मैंने सोची कांदा विंदा काट करके, वैसे तो बारिश का मौसम था लेकिन सुबह में हम ज़्यादातर नाश्ता यही जल्दी बनाती हूँ क्योंकि घर भी साफ़ सफाई करनी थी ना, तो मैंने सोची पहले फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ फिर उसके बाद में मैं घर की साफ़ सफाई चालू कर दूँगी। और नाश्ते में कांदा काट करके मैंने डाल दी थी फ्राई होने। कांदा फ्राई होगा जब तक कि मैं टमाटर है, पोया है, बाकी जो भी तैयारी है पोए में डालने की, बाकी वो सब मैं कर लूँगी। तो मैं टमाटर डालती हूँ पोए में क्योंकि मुझे टमाटर डालने से फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो मैं तो टमाटर का यूज़ ज़रूर करती हूँ। और ये देखिए मैं टमाटर डाल देती हूँ, टमाटर डालने से थोड़ा सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाता है और अच्छा लगता है पोया खाने में। तो टमाटर को डालने बाद फिर मैं इसमें नमक डालूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएगा। और फिर घर की भी साफ़ सफाई करनी है तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैं नाश्ता वास्ता बना रही हूँ ताकि नाश्ता वास्ता करके फिर मैं घर की साफ़ सफाई करूँ। पहले तो मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी, पूरा सामान पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, एक एक चीज़ साफ़ करनी होगी क्योंकि बारिश का टाइम है तो फिर चिपचिप होने लग जाएगा। क्योंकि हस्बैंड को तो टाइम नहीं मिलता है, महीने भर में गई थी वहाँ थी तो महीने भर में रूम काफ़ी गंदा हो गया है, तो आते साथ मैंने सोची पहले टाइम निकाल करके घर की मैं साफ़ सफाई कर लूँ। तो नाश्ता मेरा बन गया, नाश्ता बन गया था। नाश्ता वाश्ता करने बाद ये देखिए साफ़ सफाई में मैं जुट गई। तो खाट पर मैंने, खाट सामने करके मैंने सारा सामान कुछ तो खाट पर रख दी और जो साफ़ कर रही थी वहाँ नीचे पड़ा हुआ था। और अभी देखिए अंदर साफ़ सफाई कर रही थी। और ये शाम का टाइम का सूट, शाम के टाइम मैंने बना रही थी सब्ज़ी, तो सुबह में आज का दिन तो पूरा मेरा साफ़ सफाई में ही चला गया। कहीं से भी आओ तो पहला दिन तो पूरा साफ़ सफाई में ही चला जाता है। तो मैं ना रात के खाने में मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मुझे काफ़ी पसंद है। तो कांदा है, मैंने एक दो मीडियम साइज़ के कांदे थे तो मैंने काट ली। और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने आज कुछ अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, तो मैंने लंबी लंबी स्लाइड में काटी हूँ। मैंने सोची हर तरह, मतलब बनाना ही है तो हर तरीके से ट्राई करना चाहिए, तो इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो मेरी काफ़ी फेवरेट है भिंडी की सब्ज़ी, आप लोगों की भी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझे। तो कांदा थोड़ा सा फ्राई ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। थोड़ा सा भिंडी फ्राई होने बाद में मैं मसाला डालूँगी, नहीं तो भिंडी है पहले अगर मसाला डाल दो तो भिंडी लिबिर लिबिर होने लग जाती है। तो भिंडी थोड़ी सी फ्राई होने बाद में मसाला डालती हूँ मैं। और मैंने देखी भिंडी डाल दी हूँ, जो भी भिंडी थी सारी डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मैं चला देती हूँ। चला करके एक बार मैं इसे ढक दे दूँगी। और ये बना रही थी मैं नींबू पानी, तो मेरे हस्बैंड आए, उन्हें गर्मी काफ़ी लग रही थी, शाम का टाइम था, सुबह तो बारिश हुई थी लेकिन शाम तक तो गर्मी होने लगी। तो ये देखिए मसाला वसाला मैंने इसमें सब डाल दी थी और नींबू पानी भी बनाई थी और भिंडी में मैंने ना नींबू भी एक डाली थी, तो उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा, मतलब अलग हो जाता है।
तो देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी देखने में भी काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्टी दिख रही है। और अब बैठी थी मैं रोटी बनाने चूल्हे पर, तो रोटी बनाने के लिए मैंने तवा रख दी हूँ। और देखिए शाम हो गई है, अंधेरा पड़ने वाला ही है, देखिए सूरज भी डूबने वाला है, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी, फिर खाना खाने के लिए मैं ले जाऊँगी सब कुछ दूसरे रूम में। और देखिए मेरी सब्जी भी मेरी बन चुकी है खाना।